सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है। उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में आज संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवार के लिए प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है, ये सभी अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। इस पूरे बजट को अगर मैं कह सकता हूं कि यह बजट भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बदलने के संकल्प के साथ ही दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की भूमिका को और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का एक आर्थिक दस्तावेज के रूप में यह देश की संसद में प्रस्तुत किया गया है। इस 140 करोड़ जनता जनार्दन के लिए समर्पित उनकी आशा, उनकी आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाले इस बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं। देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार में टैक्स के बारे में सबसे बड़ी छूट आज उपलब्ध हुई है और यह लंबे वर्ष समय से यह मांग चली आ रही थी। 3 लाख तक के प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ साथ अन्य जो स्लैब भी दिए गए हैं वे काफी राहत भरे हैं। अलग अलग सेक्टर के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, ये लाखों नौकरियों को क्रिएट इससे होगा। इंडस्ट्री के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, मुझे लगता है ये सभी स्वागत योग्य हैं। और नौजवानों के लिए, समाज के हर तबके के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, सभी तबके के लिए जो कुछ भी प्रावधान इसमें किया गया है, मैं कह सकता हूं कि यह राम राज्य की अवधारणा को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी और विकासोन्मुख बजट के रूप में यह मोदी 3 का। डोंट मिस आउट, फॉलो वन इंडिया फॉर रियल टाइम अपडेट्स।